तौबा तौबा, क्या हालात हो गए इस मुल्क के। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनेगा। नाश्ता लगवा दिया है, आप लोग आ जाइए। मुराद को बुलवाया नाश्ते के लिए? मुराद नहीं आएगा नाश्ते पर। उसे नहीं पता कि हम नाश्ते पर उसका इंतजार कर रहे हैं। वो मैंने कहलवाया था उसे, कह रहा था कि ऑफिस का जरूरी काम करना है, बाद में कर लूंगा नाश्ता। बेटा तुम ऐसा करो कि नाश्ते की ट्रे लगाओ और मुराद के पास ले जाओ। उसके साथ बैठो, उससे बातचीत करो, नाश्ता भी उसके साथ ही करो। भाई तुम दोनों अगर आपस में बातचीत नहीं करोगे तो नाराजगी कैसे खत्म होगी? इस तरह तो फासला बरकरार रहेगा। जी। जाओ जाओ बेटा, जाओ, शाबाश। अब आपके बेटे को गैर जिम्मेदार कहूं या ना कहूं? ऑफिस का काम घर और बीवी से ज्यादा जरूरी है। इन दोनों का रिश्ता एक नाजुक मरहले से गुजर रहा है। अब ये भी मैं सोचूं क्या? अच्छा ना मोनस, आप टेंशन नहीं लें, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। कल मेरी इतनी लंबी आर्गुमेंट का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आप ये बात मुराद को अच्छी तरह समझा दें, मैं मजीद लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मोनू साहब जानते हैं मुराद लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है। जरूर इन दोनों के दरमियान कोई बात हुई है जिसकी वजह से वो अपसेट है और नाश्ते पर नहीं आ रहा। आपके पास अपने बेटे को बचाने के लिए 101 बहाने हैं, लेकिन मैं भी अंधा बहरा नहीं हूं, देख भी सकता हूं और सुन भी सकता हूं। नहीं करना मुझे नाश्ता। मोनस,